Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. So guys, today's video I am going to clear all the numerical of chemistry chapter 2, and this is very important video for all the class 9th students. So without further ado, let's get started. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मास बाय मास परसेंटेज फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसी में सब लोग कंफ्यूज होते हैं, सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्यूशन है। ओके, ये बहुत ज़्यादा याद रखना, किसका है ये मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट है हमारे पास, और हमारे पास 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट क्या हुआ, ये हमारा 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट सॉल्यूट हुआ है ना। अब हमारे पास यहाँ पे 320 ग्राम ऑफ वाटर है जो कि हमारा सॉल्वेंट हुआ है। ओके, हमें ये दोनों चीजें दी गई है। अब हमें फाइंड आउट करना है, मतलब कैलकुलेट करना है मास बाय मास परसेंटेज से। तो यहाँ पर तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्लस करना है। याद रखो, सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बनता है, तो बस प्लस कर देना है हमें। तो हमारा आंसर आ जाएगा 360। ये हमारा आ गया हमारा सॉल्यूशन, 360 इज आर सॉल्यूशन। अब क्या करना है, हम इसे सब कुछ फॉर्मूले में रख देंगे। हमारा 360 सॉल्यूशन है, सॉल्यूट हमारा है 40 ग्राम, इनटू 100 कर देंगे हम। अब इसे हम पूरा की पूरा सॉल्व कर देंगे, और हम सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आंसर है हमारा 11.1। ओके, 11.1 परसेंटेज। ओके, 11.11 नहीं, 11.1 परसेंटेज इज आर आंसर। गाइस, ये पूरा था हमारा सॉल्यूशन, ये मास किसका, मास बाय मास परसेंटेज का पूरा था। ओके, अब हम लोग सेकेंड चीज देखते हैं, हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल में। सेकेंड चीज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर एक डिफरेंट, मतलब पूरा के पूरा उल्टा क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है ना। अब 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन का जो हमने फाइंड आउट करा था पीछे वाले क्वेश्चन में 11.1%, वही हमने, हमें तो दिया हुआ है इसमें 25%, पूरा उल्टा क्वेश्चन है। ओके, अब हमें यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग सेम फॉर्मूला लगाने वाले मास बाय मास परसेंटेज का। ओके, तो हमने सारे के सारे नंबर इसमें फॉर्मूले में रख दिया। ओके, तो फॉर्मूला ये है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, तो 250 क्या है हमारा सॉल्यूशन है, दिया हुआ है, इनटू हम 100 कर देंगे। अब हमारे पास सॉल्यूट तो दिया ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग एक्स लिख देंगे। एक्स कुछ नहीं दिया रहता, एक्स लिख दो, ए बी सी डी कुछ भी लिख दो, है ना, कोई सा भी वर्ड लिख सकते हो आप, है ना। तो हमने जीरो से जीरो कट हो जाएगा। अब नीचे हम देखते हैं, नीचे आ जाएगा हमारा यहाँ पर जो x है, x अपॉन 25 इंटू 10 आ जाएगा। ओके, तो x, तो ये हमारा क्या है, ये 25%। अब हम लोग क्या कर देंगे, अब हम लोग यहाँ पे कर देंगे, हमारा तो आंसर तो पता है, तो आंसर हम 25 लिख देंगे। ऐसे ही ऊपर था हमारा 25, सॉरी मैं एक्चुअली भूल गई थी यहाँ पे लिखना। ओके, तो यहाँ पर 25 लिख दिया। अब क्या हुआ, क्योंकि वो आंसर है तो हमें पता है ऑलरेडी, है ना। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब क्या करेंगे, हम लोग इसे शिफ्ट कर देंगे पूरा, कैसे, आर एच एस राइट हैंड साइड से हम लोग इस प्रॉपर्टी से हम लोग शिफ्ट कर देंगे पूरा। तो एक्स इंटू 10 इक्वल्स टू 25 इंटू 25। अब जो 10 न्यूमेरेटर में था वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा 10। ओके, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हम ये सब कुछ क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर है यहाँ पर 62.5। ये है हमारा सॉल्यूट, लेकिन सॉल्वेंट तो फाइंड ही नहीं करा हमने, कैसे करेंगे सॉल्वेंट फाइंड आउट। बहुत ईजी है, हमारे पास क्या सॉल्यूशन दिया हुआ है 250 ग्राम। अब वैसे हम लोग सॉल्यूट हमें दिया हुआ है तो माइनस कर देंगे हम, 250 माइनस 62.5 कर देंगे हम। ओके, हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे 187.5। ये हमारा आ गया सॉल्वेंट। ओके, बहुत इजी था ये। ओके, एनी कंफ्यूजन आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो गाइस, हमारा आ गया है सॉल्यूट 62.5 और सॉल्वेंट हमारा आ गया 187.5। सो दिस इज
टू इजी। हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पेज में और हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमारा आ जाता है यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, मास बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम से ना कंफ्यूज होते बच्चे, वॉल्यूम क्या आ गया ये। अब कुछ नहीं होता है गाइस, जो पहले वाला हमारा क्वेश्चन था ना, मतलब पहले वाला फॉर्मूला था मास बाय मास परसेंटेज, सेम वो ये वैल्यू आपको वॉल्यूम जो लिखा है वो बस आपको कंफर्म करने है, मतलब कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पहले लीटर में, मिलीलीटर में हम लोग देखते हैं। ठीक है, 5 मिलीलीटर क्या है हमारे पास, ml क्या है हमारे पास, मिल्क है। ओके, अब हमारे पास इसके साथ साथ हमारे पास 70 ml हमारे पास यहाँ पे वाटर है। ओके, मिल्क और वाटर है हमारे पास, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट है हमारे पास। सॉल्यूशन कैसे निकालना है, कुछ याद आया? प्लस प्लस करना है गाइस। ओके, तो हमें प्लस कर देना, 70 + 5 = 75 हो जाता है। तो ये हमारा निकल गया सॉल्यूशन। अब हम लोग पूरा के पूरा सौ ये फॉर्मूले में हम लोग सारे के सारे नंबर डाल देंगे। तो हमारा जो सॉल्यूट है 5 ml है और हमारा सॉल्यूशन है 75 है, इनटू हम लोग क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब हमें बस क्या करना है, इन सबको कर देना है सॉल्व। और सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो है, सो गाइस जो हमारा आंसर आ रहा है वो हमारा आंसर क्या जाएगा, 20/3 करेंगे, फिर हमारा आंसर जाएगा 6.66% इज आर आंसर, दिस इज आर आंसर। ओके, सो दिस इज ऑल्सो लाइक द मास बाय मास परसेंटेज। डोंट बी कंफ्यूज दैट ये अलग है ये अलग है, दोनों की दोनों सेम है। ओके, नंबर अलग हो सकते हैं। अब हम लोग आते हैं सॉल्युबिलिटी। ये क्या है सॉल्युबिलिटी, हमने पढ़ा है कई चैप्टर में, लेकिन हम इससे न्यूमेरिकल क्या है, ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, हम लोग अच्छे से समझते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, आपकी बुक में नहीं दिया है बट गाइस मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जो हमारा फॉर्मूला है सॉल्युबिलिटी का, बहुत ईजी फॉर्मूला है, लर्न हो सकता है आपको। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100 है, सॉल्वेंट याद रखना। हमने मास बाय मास परसेंटेज में सॉल्यूशन देखा, हमने मास बाय मास वॉल्यूम परसेंटेज में हमने क्या देखा, सॉल्यूशन देखा, लेकिन हमने सॉल्युबिलिटी में क्या देखा, सॉल्वेंट देखा। ओके, क्या देखा, सॉल्वेंट। ओके, डोंट बी कंफ्यूज, हमने कंफ्यूज नहीं करना, इसमें सॉल्यूशन लगा दिया इसमें सॉल्वेंट नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें सॉल्युबिलिटी में सॉल्वेंट लगाना है। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, 22.5 ग्राम सॉल्यूट है हमारे पास और हमारे पास 25 ग्राम वाटर है। ओके, हमें एक ना ये सॉल्वेंट हो गया हमारा, अब हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। हमें पता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है ना, कौन कितने टेम्परेचर में, 298 केल्विन। अब इसमें होते हैं बच्चे कंफ्यूज, 298 केल्विन मतलब अब सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, ये कंफ्यूजन के लिए बस आपके लिए ये लिखा है। ठीक है, तो 298 केल्विन को आप भूल जाओ कि लिखा भी है यहाँ। अब हमें सॉल्युबिलिटी फाइंड करना है, अब हमें पूरा के पूरा फॉर्मूला लिख देना है। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है मास, 2.5 ग्राम। अब सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, 25 ग्राम और हम लोग कर देंगे इनटू 100। ओके, यहाँ से पॉइंट हटा तो यहाँ पर हमारा जीरो आ गया, हम जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और हम पूरा के पूरा ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है, हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आ रहा है यहाँ पे सिंपल सा आंसर है 10। 10 इज आर आंसर। सो ये हमारा सॉल्युबिलिटी का है ये फॉर्मूला, ये हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला है। ओके, सो दिस ऑल द थिंग इज टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अमेजिंग लर्निंग वीडियो। बाय गाइस।